नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। सिलसिला बाजारों का मैं लेकर आ गया हूं आप सबके लिए एक बार फिर से कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी मंदी नजर आ रही है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, सबसे पहले आपसे कैस्टर के ऊपर बात करना चाहूंगा। कैस्टर में हमने एक रेंज बनते हुए देखी थी जो कि 5800 से 6000 के बीच थी। कल को हमने कीमतों को 6000 की ओर एग्रेसिवली ट्रेड करते हुए देखा था। हालांकि टच नहीं कर पाई थी 6000 का लेवल, लेकिन उसके आसपास घूमती नजर आई थी, लेकिन वहां पे सस्टेन भी नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है, क्या कैसे अब इसी रेंज में रहेगा कि 5800 और 6000 से थोड़ा नीचे? देखिए, फिलहाल कैस्टर की रेंज जो है बिल्कुल यही बनती हुई दिखाई दे रही है। 5800 से लेकर 6200 ऊपर में फिलहाल अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। देखिए, जो अभी सरकार की तरफ से एक दो कदम उठाए गए थे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था और सभी कमोडिटीज के अंदर जबरदस्त गिरावट हमने देखी। और अभी आज वापस से बाजार जो है थोड़ा संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हफ्ते का आखिरी का ये एक से दो ट्रेडिंग सेशन है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो दो दिन में मुझे लगता है कि जिन लोगों की पोजिशन थी अब वो नीचे से एक बार फिर से रिकवरी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आज सभी कमोडिटीज के अंदर हल्की हल्की बाइंग जो है वो आती हुई हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज कैस्टर्ड भी ऊपर में एक बार 6000 का स्तर छू सकता है, नीचे में 5800 तो ऊपर में 6000 की रेंज फिलहाल इसमें बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर पर जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि अब 2700 के लेवल के बाद अब 2800 के ऊपर एक बार फिर से सस्टेन हो गया है। 2800 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी बिनौला खल में बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज बिनौला खल ने 2857 का हाई लगा दिया है, फिर से खरीदारी लौटी है बिनौला खल के अंदर, तो क्या आज इंट्राडे में हो सकता है कि 2900 के लेवल भी दिख जाए? देखिए, बिनौला खल में बिल्कुल अखिलेश, हमने हमेशा यही बोला, कल भी जब बाजार गिर रहा था तो भी मैंने यही बोला था कि अगर नीचे आता है तो वहां पर आप बाइंग की स्ट्रेटेजी रखिए और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। तो ये कमोडिटी उठती हुई दिखाई देगी और आज भी वापिस मार्केट में 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आज इंट्राडे में आप मान के चल सकते हैं 2860 से लेकर 2880 मैक्सिमम एक बार अपसाइड बन सकता है। अगर 2880 के ऊपर निकलता है तो 2920 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया अपनी ऊंची कीमतों से कुछ लुढ़कता नजर आ रहा है। हमने जहां पे धनिया को 8800 यानी 8800 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा था, अब देख रहे हैं कि 8658 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 8580 का ही लगा चुका है। रूपा जी देख रहे हैं कि धनिया ने 8500 के लेवल पर भी अब धीरे धीरे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से धनिया के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो धनिया अब यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाएगा या फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर कीमतें जाएंगी? देखिए, धनिया में अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। धनिया के साथ साथ ओवरऑल सभी स्पाइसेस का भी आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डिमांड पिकअप होते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से इनकी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आई थिंक जो धनिया की बात है, जनवरी वायदा एक बार नीचे में 8500 की रेंज से लेकर ऊपर में 8800 तक घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 8800 के ऊपर निकलता है तो 9000 का स्तर भी संभव है कि देखने को मिल जाए। वहीं अगर बात करें जीरे की, तो जीरा भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16000 का लेवल काफी टाइम से इंटैक्ट कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर भी 16000 के स्टॉप लॉस के साथ 16500 से 16600 का टारगेट इसके अंदर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्च वायदा तो 17000 के पार है, तो आई थिंक जीरे में अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से तेजी आ रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में हल्की गिरावट है, ऊपरी स्तरों से हल्दी में मुनाफा वसूली आई है, लेकिन यहाँ पर भी सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8800 के आसपास जो है हल्दी भी अप्रैल वायदा में सपोर्ट ले सकती है और ऊपर में 9200 से लेकर 9500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि ग्वार और ग्वार सीड दोनों की कीमतें आज कल के मुकाबले कुछ सपोर्ट के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। कल को जहाँ पे हमने ग्वार को 11000 के नीचे जाते देखा था, ग्वार सीड भी 6000 के लेवल्स पर था, वहीं देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज बढ़त बनती नजर आई है। ग्वार गम एक बार फिर से 11000 के ऊपर है और ग्वार सीड 6100 के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या अगर क्लोजिंग अच्छी रही तो ग्वार में फिर अगले कारोबारी सप्ताह एक अच्छी रैली देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल ग्वार भी पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है यहाँ से और इसमें एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट हो रही है। क्रूड भी जैसे सपोर्ट ले रहा है, वैसे ही ग्वार के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी अब लौट चुकी है निचले स्तरों से। देखिए, 10000 के नीचे लुढ़क गई थी, अब वापस से 11000 के ऊपर है, तो आप यहां से मान के चलिए कि 12000 से लेकर 12500 तक ग्वार ऊपर में जा सकती है।
वहीं अगर गम की बात सीड की बात करें तो सीड भी अब ऊपर में 6200 से लेकर 6500 का स्तर छू सकती है। जिस हिसाब से रैली आई है निचले स्तर छूने के बाद वापिस से बाउंस बैक आया है, इस बाउंस बैक के चलते लग रहा है कि ग्वार गम और ग्वार सीड वापिस से उन्हीं स्तरों पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इनकी तेजी 12,500 तक जा सकती है और 6500 तक सीड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि 6000 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और 2.5% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने के बावजूद भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं अब उनमें वायदा के अंदर उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन एक बार फिर से यहाँ से तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए काफी वोलेटिलिटी इस कमोडिटी में देखने को मिली है, काफी वोलेटाइल है इसका मार्केट और जिस तरीके से अपडेट निकल कर आया और उसके बाद जो करेक्शन आई और कीमतें जबरदस्त नीचे गई और हमने 5800 के आसपास 5600 तक भी इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लुढ़क जाएंगी और अब देखिए वापिस से यहां से फिर से बाउंस बैक आ गया है। ट्रेडर्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं कि इसमें ह्यूज बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है या फिर यूं कहें कि निचले स्तरों पर उन्होंने एक बार फिर से खरीदारी की है ताकि ऊपरी स्तरों पर माल को निकाला जा सके। तो ये हो सकता है मार्केट के अंदर इस तरीके का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया तो मुझे लगता है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट बना रह सकता है। लेकिन आज 3% की एक अच्छी तेजी हम वायदा में देख रहे हैं तो डोमेस्टिक में भी इसका सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा सपोर्ट मार्केट के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल यहां से जो रेंज बन सकती है वो 6200 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड की बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए अखिलेश कपास से भी तेजी है और यहाँ पर एनसीडीएक्स की बात करें तो यहाँ पर 1920 तक अपसाइड है और आज एमसीएक्स पर अगर देखें वायदे में तो थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है लेकिन 32,000 के ऊपर जो कि मैंने टारगेट भी दिया था 32,500 का उसके ऊपर मार्केट निकल चुका है और अब यहाँ से हल्की सी करेक्शन वायदा में आ सकती है लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है तो आज इंट्राडे में थोड़ा सा बाजार गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, इनमें से एक है पवन जी जिनका सवाल चने को लेकर है, ये जानना चाह रहे हैं चने का क्या अपडेट है, क्या चने में आगे कुछ तेजी बन सकती है? रूपा जी हमने देखा है कि सस्ती दालों का आयात किया गया है, सस्ती दरों पर दालें बेची भी जा रही है नाफेड द्वारा और दूसरा सरकार अभी भी दूसरे देशों से आयात दालों के आयात की बातचीत भी कर रही है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है क्या जो कीमतें हैं वो और ज्यादा गिरावट की ओर जाएंगी? देखिए दालों में तो दबाव है अखिलेश और ये दबाव अभी कंटिन्यूशन में बना रह सकता है, अभी बाजारों के अंदर प्रेशर है और ये प्रेशर बना रह सकता है और आगे देखिए इलेक्शंस है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है कि दालें तेल इन सब में बाजार जो है वो थोड़ा सा सुस्ती वाला रह सकता है, इनमें फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी, बाजारों के अंदर प्रेशर बना रहेगा। जी तो यानी कि दालों की कीमतों पर प्रेशर अभी जारी रह सकता है, जिस हिसाब से अभी दालों की जो मौजूदा स्थिति बनती नजर आ रही है वो कुछ इस प्रकार है कि दालों की कीमतों को अभी उठने में काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर उठी भी तो अदरवाइज दालों का जो बाज़ार है वो ऐसे ही नरमी के साथ अभी ट्रेड करता रहेगा। जितनी भी दालें हैं अभी हाजिर में वो सारी की सारी MSP से नीचे ही बिकती नज़र आ रही हैं। रूपा जी दिनेश नागर जी जुड़े हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है सरसों में आगे क्या होगा? देखिए सरसों में भी अभी दबाव बनने की उम्मीद है और आगे चल के जैसे अराइवल्स आएंगे तब प्रेशर बनता दिखाई देगा। अभी जैसा कि खबरें निकल कर आ रही है कि सरसों का स्टॉक खत्म हो गया है मंडियों में, इस तरीके के जो है वो बातें निकल कर आ रही है लेकिन स्पॉट मार्केट के अंदर सरसों के भाव में अभी भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि आगे चल के मांग में अभी कमी आएगी और ज्यादा कीमतें दबाव के अंदर जाती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है, दरअसल आज सोयाबीन में जो अचानक से 2.5% की तेजी बनती नजर आई है वायदा के अंदर, तो सबका ही सवाल आ रहा है कि क्या आज इंट्राडे में सोयाबीन 6500 का भी लेवल दिखा सकती है? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से बाजारों में खरीदारी लोटी अभी कुछ भी हो सकता है, बाजार वापिस से करेक्शन में भी जा सकते हैं और वापिस से कोई बड़ी बात नहीं 5800 के भी नीचे आ जाए, तो अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो काफी डाइसी है। लेकिन आज 6500 का स्तर तो मुश्किल लग रहा है मुझे, एक बार हाँ हो सकता है आपको 6200-6250 तक की तेजी देखने को मिल जाए। जी रूपा जी दर्शक हैं सुरेंद्र बेनीवाल जी जिनका सवाल 1121 बासमती राइस को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं 1121 बासमती राइस में क्या करें, ओवरऑल चावल का रुझान अभी कैसा रहेगा क्योंकि देखा है कि हमने सेबी ने राइस पर भी बैन लगा दिया है।
देखिए राइस में पहले अच्छी खासी तेजी आई थी, लेकिन अब वापस से प्राइसेस जो है वो गिरने लगे हैं और अब यहाँ से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी चावल के ऊपर जो है वो दबाव बन सकता है, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कीमतों में गिरावट आते हुए देखी है, तो अभी चावल एक बार फिर से गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे एग्री को लेकर, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देख रहे हैं कि मार्केट कल के मुकाबले आज कुछ हल्की बढ़त के साथ उठती नजर आई है। देखिए आज बिनौला खल में तेजी है, तो बिनौला खल में बाइंग करके चल सकते हैं। बिनौला खल के साथ साथ आज ग्वार में भी बाई किया जा सकता है, ग्वार के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल और ग्वार ये दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनमें आज आप इंटरडे में रूपा जी के मुताबिक खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। आज इन दोनों ही कम्युनिटीज में अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।